गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं चैप्टर नंबर थर्ड का नेक्स्ट टॉपिक आपको बताता हूँ। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल रिजर्व्स एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स, क्या क्या ट्रीटमेंट होती है अगर रेशियो चेंज हो जाता है गुडविल की, रिजर्व्स की और एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स की। तो पहले मैं ट्रीटमेंट बताता हूँ। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में क्या होता है, डिपार्टमेंट के रेशियो चेंज हो जाते हैं तो सिर्फ एक ही एंट्री होती है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। जो पार्टनर गेन करता है वो डेबिट। इफ एनी पार्टनर सैक्रिफाइस देन शॉन इन क्रेडिट साइड। और जो पार्टनर गेन करता है, गेनिंग पार्टनर्स कोई होगा वो डेबिट। ये आपकी गुडविल की ट्रीटमेंट होती है। तो आपकी जनरल एंट्री गेनिंग पार्टनर्स का डेबिट टू सैक्रिफाइस पार्टनर। मैं इसको एक आपको एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूं। मान लो ए एंड बी वर पार्टनर इन ए फर्म, शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2, उनके ओल्ड रेशियो 3:2 है। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2016 दे एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट इक्वल। अब उन्होंने 1 अप्रैल 2016 से उन्होंने अपने रेशियो चेंज करके इक्वल कर लिए। इक्वल का मतलब 1:1। फॉर दिस पर्पस द गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट ₹30,000। टोटल फर्म की गुडविल ₹30,000 है। पार्टनर ऐसे ऐसे जनरल एंट्री। सबसे पहले आप इसमें गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालो। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए आपको फॉर्मूला है ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड माइनस न्यू, ये ओल्ड है रेशियो, ये न्यू है। अब फॉर्मूला आपने ओल्ड माइनस न्यू रख लिया। ओल्ड है 3/5 और न्यू हो गए 1/2। 10 एलसीएम हो गए, 10 को 5 से डिवाइड कर दिया 2, 2 3 6 और 10 को 2 से डिवाइड किया 5, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो गया 1/10। ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो गया। यहां अब हमने ओल्ड लिया बी का 2/5 माइनस 1/2, 10 एलसीएम हो गया, 10 से 5 से 10 को डिवाइड किया 2, 2 2 4 और 10 को 2 से डिवाइड किया 5, तो -1/10 ये गेनिंग रेशियो। अब गेन और सैक्रिफाइस के बराबर शेयर निकालो। गुडविल की वैल्यू 30,000 है, 30,000 में से 110 गेन है, 110 ही सैक्रिफाइस है, तो दोनों में से एक शेयर निकालो। 110 निकाला, 3,000 आ गए। अब 3,000 से जो गेन कर रहा है वो डेबिट और जो सैक्रिफाइस कर रहा है वो क्रेडिट। तो किसने गेन किया यहां, यहां गेन किया बी ने। तो एंट्री बी के अपने अकाउंट डेबिट टू ए के अपने अकाउंट। ये ट्रीटमेंट है गुडविल की अगर आपके रेशियो चेंज हो जाते हैं। तो आपको ये देखना पड़ता है कि किस तरीके से आप जनरल एंट्री करोगे। सिर्फ एक ही गुडविल की एंट्री होनी होती है अगर रेशियो चेंज हो जाते हैं, गेनिंग टू सैक्रिफाइस। और टोटल अमाउंट ऑफ गुडविल वैसे उतना शेयर निकाल लेते हैं जितना गेन या सैक्रिफाइस कर रहे हैं। गेन हमेशा सैक्रिफाइस के बराबर होगा और सैक्रिफाइस हमेशा गेन के बराबर होगा। जितना गेन कर रहा है वो सैक्रिफाइस। ये हो सकता है कि अगर 3 पार्टनर है तो 2 पार्टनर गेन कर रहे हो और 1 पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा हो, या ये हो सकता है कि 2 पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहे हो और 1 पार्टनर गेन कर रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन जब गुडविल की एंट्री होगी वो यही होगी, इससे ज्यादा कोई और बात।